ट्राई का अर्थ होता है क्या? तीन, गुण का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? माप, यानी कि जो भुजा होगा उसकी माप निकालना है हमको, चाहे जो हो उसको दिखाना पड़ेगा इसमें जिस चीज़ के रूप में आएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द का हम लोग यहाँ पे अर्थ देख चुके हैं, क्या होता है? तीन भुजा और क्या उसका जो माप है उससे संबंधित समस्या जो होगा उसका क्या करना है हमको इसमें अध्ययन करना है, पढ़ना है। चलिए इसको देख लेते हैं। परिभाषा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति मैथ के गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में। चलिए एक समकोण त्रिभुज इसमें हम ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग इसे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, चाहे क्लास टेन में भी पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप सभी बच्चों को यह मालूम होना चाहिए और होगा भी कुछ लोगों को। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। इसमें लंब कौन है? जो 90 डिग्री बनाएगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के साथ वाला लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी हमारा क्या हो जाएगा? लंब। बी सी क्या हो जाएगा? आधार। और ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसको हाइपोटेनस यानी कि एच से सूचित किया जाता है, इसको परपेंडिकुलर पी से, और इसको आधार बेस होता है इसका मतलब, और इसको बी से सूचित किया जाता है। तो आप चलिए, ए बी हमारा क्या है? लंब है। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग स्मॉल पी से सूचित करते हैं। बी सी हमारा क्या है? आधार। इसका मतलब बेस होता है हिंदी में, और संकेत बी। ए सी क्या है? कर्ण। हाइपोटेनस, इसका संकेत एच होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो क्या होता है? आधार का स्क्वायर। आई ए सी हमारा क्या है? कर्ण है। इसको किस चीज से सूचित करते हैं? एच से। तय इसके जगह पर एच रख दिया, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर से। हम उसी तरह बी की जगह पी रखा गया, परपेंडिकुलर होता है तो इसको पी से सूचित करते हैं। बी सी आधार यानी कि बेस, तो बी का स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अब क्या होता है यहाँ पे, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। जब बराबर के इधर संख्या पर स्क्वायर होता है तो बराबर के इधर क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। तो इधर क्या था? स्क्वायर था एच पर, एच स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो एच निकालने का क्या हमको मिल गया? फॉर्मूला निकल गया। मान लीजिए कि इसमें क्या दिया रहेगा? पी और बी का मान दिया रहेगा, एच नहीं दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, एच का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि इसमें एच और बी का मान दिया हो, पी नहीं दिया हो, तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो चलिए इसको दिखाते हैं। एच इधर क्या है? एच स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब बी को क्या करेंगे? बराबर के इधर भेजेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा इसका? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या रहेगा? पी स्क्वायर। फिर उसी तरह स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो पी निकालने का भी अब क्या मिल गया हमको? फॉर्मूला लिखा मिल गया। एच दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, तो आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से क्या करेंगे हम लोग? पी निकाल करके साइन कॉस टेन कॉट से कॉस से का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फिर चलिए इसमें आगे देखते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? एच और पी का तो मान निकाल लेंगे, फॉर्मूला इधर से हमको मिल गया है, बी निकालना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर इधर क्या हो जाएगा? बी पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। और बी निकालने का भी फॉर्मूला हमको क्या हो गया? मिल गया। पी बी और यहाँ क्या है? एच निकालने का भी हमको फॉर्मूला मिल गया है आसानी से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।